सुअर और भेड़ की कहानी। रोज की तरह एक चरवाहा अपनी भेड़ों को घास के मैदान में चरा रहा था, तभी कहीं से एक मोटा सुअर वहां आ गया। जब चरवाहे की नजर सुअर पर पड़ी तो उसने उसे पकड़ लिया। जैसे ही चरवाहा ने सुअर को पकड़ा, वो तेज आवाज में चीखने लगा और खुद को छुड़ाने का प्रयास करने लगे। लेकिन चरवाहा की पकड़ मजबूत थी, उसने सुअर के सामने और पीछे के दोनों पैर रस्सी से बांध दिए और उसे अपने कंधे पर लटकाकर कसाई के पास जाने लगा। सुअर जोर जोर से चीख रहा था और चरवाहा चला जा रहा था। मैदान में चर रही भेड़ें सुअर के इस व्यवहार पर बहुत चिंतित थी। उनमें से एक भेड़ कुछ दूर तक चरवाहा के पीछे पीछे गई और सुअर से बोली, इस तरह चीखते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? चरवाहा रोज हम में से एक भेड़ को पकड़ कर ले जाता है, लेकिन हम तो यूं नहीं चीखते। तुम तो बेकार में इतना उत्पाद मचा रहे हो, शर्म करो। भेड़ की बात पर सुअर को बहुत गुस्सा आया। वह और जोर से चीखते हुए बोला, चुप रहो, चरवाहा जब तुम लोगों को पकड़ कर ले जाता है तो उसे बस तुम्हारा ऊन चाहिए होता है, लेकिन उसे मेरा मांस चाहिए। जब तुम्हारी जान पर बनेगी ना, तब बहादुरी दिखाना। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जब खुद की जान पर कोई खतरा नहीं होता, तब बड़ी बड़ी बातें करना और बहादुरी दिखाना बहुत आसान होता है।